टू जीरो। इसके आप ध्यान से सुनो, ये वी प्रियांशी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉस थीटा को एक्स मान के चलो तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे बोलो, बोलते जाओ। टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू टू जा फोर, नहीं माइनस फोर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यों? हाँ तो इसके फैक्टर्स सुनो जरा, इन दोनों का टोटल करेंगे तो माइनस फाइव आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना फोर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है टू कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा माइनस टू और माइनस का वन कॉस थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा माइनस टू कॉमन कर लीजिए तो टू कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो एटलीस्ट वन विल बी जीरो, कम से कम एक तो को तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा माइनस टू तो जीरो हो नहीं सकता, क्यों ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? नहीं पॉजिटिव से मतलब नहीं है, कॉस थीटा की जब मैक्सिमम वैल्यू ही वन होती है ना, मतलब कॉस थीटा कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू टू हो ही नहीं सकती, है ना। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, मतलब थीटा कुछ भी हो तो भी कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, वन, मिनिमम माइनस वन। तो केवल एक ही फैक्टर्स चलेगा, लिखेंगे देन टू कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना, वन अपॉन टू, है। तो कॉस में वन अपॉन टू किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई थ्री, है ना। इसका जनरल सॉल्यूशन बोलिए कॉस का, हाँ फाई इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा एन बिलोंग्स टू इंटीजर, फाई की जगह रख दीजिए थीटा, तो टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यही आपका आंसर है। इधर देखो क्वेश्चन नंबर टू, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसमें पूरा फंक्शन सिंगल फंक्शन या तो साइन में बदलिए या कॉस में बदलिए, तो हाँ हम साइन में बड़ी आसानी से बदल देंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को तो नहीं बदल पाएंगे कॉस में आसानी से, है ना, वो तो 90 माइनस थीटा वो तो ऊटपटांग हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। तो फोर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन थीटा माइनस वन। तो अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि पूरी इक्वेशन एक जैसे फंक्शन में होना चाहिए, या तो साइन में या कॉस में, है ना, चल या टेन में। तो फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर साइन थीटा प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो, माइनस से डिवाइड दे दो, फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का फोर साइन थीटा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। और इसके फैक्टर्स डायरेक्ट में कोई बता सकता है, फोर थ्री जा ट्वेल्व कितने हो जाएंगे इसके, टू, हाँ फोर थ्री जा ट्वेल्व, है ना। तो फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का सिक्स साइन थीटा और माइनस का टू साइन थीटा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसमें कितना कॉमन ले लें, टू साइन थीटा कॉमन ले लो तो ये टू साइन थीटा प्लस थ्री, और माइनस वन कॉमन ले लें तो टू साइन थीटा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो टू साइन थीटा प्लस थ्री और टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, इफ टू साइन थीटा प्लस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, वाई, साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो मैक्सिमम वैल्यू वन रहती है, जी कितनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू वन और मिनिमम माइनस वन, ये दे रहा है माइनस थ्री बाई टू। तो यहां से लिख दो साइन थीटा
कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, है ना। तो यहाँ लिखेंगे देन, अगर ये फैक्टर जीरो नहीं है तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा, टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू, है ना। साइन थीटा वन अपॉन टू मीन्स साइन में वन बाई टू किसकी वैल्यू, साइन थर्टी डिग्री, साइन पाई बाई सिक्स। फिर इसका जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा माने पाई बाई सिक्स। फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, आप लोग डायरेक्ट लिख लो, ये इसका आंसर होगा। चलो अब पूछ लो कोई प्रॉब्लम हो तो। साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर बना के सेम फंक्शन बनाएंगे। चलो तो टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। आप लोग जिन्होंने कर लिया वो चेक कर लो, और जिन्होंने नहीं किया है वो सॉल्यूशन देख लो, और मिस्टेक देख लेना जिसने मिस्टेक की हो। तो टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साथ में, तो माइनस थ्री कॉस थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। टू टू जा फोर, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के कितने, फोर कॉस थीटा माइनस प्लस का कॉस थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। टू कॉस थीटा कॉमन कर लीजिए तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा माइनस टू प्लस का वन कॉस थीटा माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक आया कॉस थीटा माइनस टू और टू कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, है ना। फिर यहाँ लिखेंगे इफ कॉस थीटा माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस टू तो हो नहीं सकती, अगर नहीं हो सकती तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर जीरो होगा, टू कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो कॉस थीटा माइनस वन बाई टू, कॉस में माइनस वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, कॉस टू पाई बाई कॉस 120, कॉस 120 डिग्री याद कर लो, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस वन बाई टू निकलेगी ऑन सिल्वर टीकप से, ठीक है। इसका जनरल सॉल्यूशन फाई इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो फाई इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस टू पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। देख केवल कॉमन लेने वाला काम करना है, टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन कर दो, टेन थीटा माइनस के रूट थ्री टेन थीटा प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, टेन थीटा, तो टेन थीटा माइनस वन, इन दोनों में रूट थ्री कॉमन आ रहा है तो टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब उसके बाद टेन थीटा माइनस वन कॉमन कर लो तो ये बचेगा टेन थीटा प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, ओके। अब इसके यहाँ लिखेंगे इफ टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टेन थीटा इक्वल टू वन, टेन में वन किसकी वैल्यू होती है, ये डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लगाए, देखो इधर, हाँ टेन थीटा कहाँ पर, हाँ ये आया, ये टेन थीटा माइनस रूट थ्री, ठीक है। हाँ अब सुनो, आप लोग जनरल सॉल्यूशन जो पिछला मेथड बताया उसी से, इधर देखो टेन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एन पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा की जगह प्रिंसिपल वैल्यू रखा करो, तो वन में प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई फोर आएगी, ये तो सीधा सीधा है ना। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। एक तो जी हो गया, एक दूसरे फैक्टर भी जीरो हो रहा है, यहाँ लिखेंगे इफ टेन थीटा माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, तो टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, इसका जनरल सॉल्यूशन प्रियांशी तुम बताओ इसका, तो चलो
थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह टेन में रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री, 60 डिग्री माने पाई बाई थ्री, है ना। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दोनों ही आंसर सूटेबल है, है ना। तो ये दोनों आंसर ही लिखने पड़ेंगे इसके। लास्ट में आंसर ऐसे लिखा करो, एक तो थीटा आया ये एन पाई प्लस पाई बाई फोर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ, एन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री। भाई इसके दोनों फैक्टर्स के ये एंगल